India's very own, the captain, Virat Kohli! Whoa, whoa, whoa! Look at the capacity crowd here, ladies and gentlemen! बस ये कैसे इंसान है जिनको खेल के मैदान पर पंगा लेने में ना कोई शर्म है ना कोई डर. वेलकम बैक विराट. विराट कांग्रेचुलेशंस फॉर अ ग्रेट ग्रेट टाइम. इससे पहले कि हम आपसे कुछ और भी बात करें विराट, लिसन टू द क्राउड हियर. थैंक यू विराट. व्हाट कैन वी से ऑन बिहाफ ऑफ the entire Kabaddi fraternity, all the sports lovers, each and every Indian. Thank you. Thank you for making us proud, Virat. Thank you. My captain, always my captain. Virat, pehli baat to your fans are here. They would love to hear you. Aap Hindustan ho, Adelaide ho, Wankhede ho, jahan hamare hero ho. Say something to your fans. Well, 1 minute. Virat Kohli sharma rahe hain kya? नहीं, थैंक यू. दूसरी बार मैं आ रहा हूँ प्रो कबड्डी में और लास्ट टाइम भी ऐसा ही सपोर्ट मिला था और आप लोगों का सपोर्ट जो है वो सिर्फ मुझे नहीं बल्कि सारे स्पोर्ट्समैन जितने हमारे हैं उनको बहुत इंस्पिरेशन देता है. तो थैंक यू वेरी मच. आपकी वजह से ही हम लोगों को और मोटिवेशन मिलती है अच्छा करने की. तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों का, आपके सपोर्ट का और यहाँ भी देखने को मिल रहा है. थैंक यू वेरी मच. बहुत खुशी हुई मुझे आके यहाँ पे आज. मंत्र सोचो, अगर विराट कोहली कबड्डी के रेडर होते तो इनका रेट स्ट्राइक रेट क्या कमाल होता यार. विराट, पंगा लेना आपसे बेहतर खेल के मैदान पे कोई नहीं जानता. हमारे कबड्डी प्लेयर्स की तरह ही आपके हिसाब से खेल के मैदान पे पंगा लेना क्या मायने रखता है? व्हाट डज इट मीन? खेल के मैदान पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी जो एक रिस्पेक्ट है वो हमेशा मेंटेन करके रखनी चाहिए, अपना सेल्फ बिलीव जो है, और वो कोई भी अगर तोड़ना चाहे तो आपको ज़रूर उसके आगे खड़ा होना चाहिए. तो मेरा हमेशा से ये बिलीफ रहा है कि अगर आपके साथ कुछ कोई कुछ गलत करे और स्पेशली फील्ड पे, तो कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उसे छोड़ देना मेरे नेचर में नहीं रहा. हालांकि अगर आप वापस कुछ ना भी बोलें, लेकिन जो एक अपने अंदर ही वो पंगा एक क्रिएट हो जाता है कि अब मैं करके दिखाऊंगा, तो आई थिंक उससे एक मोटिवेशन बहुत मिलती है. दैट्स व्हाट विराट कोहली हैज टॉट अस ऑल, की बॉस पंगा लेना डर के पीछे हटने का नहीं. बट विराट, यू हैव बीन हियर बिफोर, यू एंजॉयड द स्पोर्ट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट वीवो प्रो कबड्डी? वी एंटर्ड इनटू सीजन 7. आई एब्सोल्युटली लव इट. एंटरटेनमेंट तो आप लोगों को पता ही कितनी है, और कबड्डी ऐसा स्पोर्ट है जो बाहर की टीमें भी जब आती हैं इंडिया में, और क्योंकि प्रो कबड्डी इतना दिखाया जाता है, इतनी इसकी व्यूअरशिप है, तो वो लोग भी अमेज होते हैं कि यार ये एक स्पोर्ट है जो देख के हमें भी लगता है कि इस स्पोर्ट की फिटनेस जो है बहुत अलग लेवल की फिटनेस चाहिए. तो बहुत फैसिनेट होते हैं वो, हम लोगों से आके पूछते हैं अभी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यू नो, दे आस्क अबाउट रूल्स, समझना चाहते हैं स्पोर्ट को. तो जिस तरीके से स्पोर्ट ने एक टेक ऑफ किया है ये लीग की वजह से, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा स्टेप है स्पोर्ट्स कल्चर क्रिएट करने के लिए हमारे देश में. विराट, ग्रोइंग अप वी ऑल प्लेड कबड्डी, आप भी खेले ही होंगे, सो हाउ डज दैट फील कि अपने ही देश का, अपनी ही मिट्टी का एक खेल खेलने का कैसा अनुभव रहा है आपका? उस चीज का अलग ही मजा है. हमने कबड्डी, खो खो, ये सब मतलब स्पोर्ट खेले हैं बड़े होते हुए, और स्कूल में सबने ही कबड्डी खेला है कभी ना कभी, अपनी सोसाइटी में भी खेला है दोस्तों के साथ, और बहुत गर्व की बात है कि हमारी टीम जो भारतीय टीम है उसका कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में, और इसीलिए हमारे देश में लीग हो रही है जहाँ पे सब देशों के प्लेयर आके खेलते हैं, और जो स्टैंडर्ड है आप देखें अगर कबड्डी का तो एक अलग लेवल पर ही जा चुका है, क्योंकि हमारी नेशनल टीम में अगर आप प्लेयर्स देखें तो हर टीम से आप स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर उठा के नेशनल टीम में डालें और कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं. तो आई थिंक इन लोगों की फिटनेस, इनकी डेडिकेशन और इनका जो पैशन है उसकी वजह से ही आज कबड्डी वर्ल्ड रिकग्नाइज स्पोर्ट बन चुका है, और इंडिया में सबको पता था लेकिन अब हाउस होल्ड नेम्स बन गए हैं खिलाड़ी, जो आई थिंक बहुत बड़ी बात है. थैंक यू सो मच विराट, ऑलवेज फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ लव. विराट भाई, अब पंगा लेंगे हम आपको कुछ अपने शेरों से मिलवाएंगे, शेरों के बारे में दिखाएंगे, कुछ कबड्डी के प्लेयर्स आपके सामने आएंगे और उनके कुछ बड़े ही स्पेशल मूव्स, कुछ स्किल्स है, आपको देख के बताना है कि अगर ये स्किल अपनी टीम से कोई कर रहा होता, इंडियन क्रिकेट टीम से कर रहा था, तो किस पे सूट करता. ठीक है, ऑलराइट, पहले ये देखिए, सबसे पहला फुटेज आपके सामने आ रहा है, ये देखिए, ये है हमारा हाई फ्लायर पवन सहरावत. एक जगह खड़े खड़े 5.5 फुट की लीप लगा लेता है. हाई फ्लायर बताओ आपकी टीम में कौन होता?
आई थिंक ये हमारी टीम में मे बी हार्दिक पांड्या कुंगफू पांड्या सो ट्रू सो ट्रू वेल डन वेल डन आइए नेक्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट स्किल ये शायद प्रदीप नरवाल की डुबकी है ये देखिए भाई वाह सात सात डिफेंडर सामने खड़े लेकिन उसके बावजूद ये प्रदीप नरवाल है और ये डुबकी मारने में एक्सपर्ट है भाई जो कोई दो चेन पकड़ के रहते तो नीचे से निकल जाने में मतलब सुमड़ी में कुमड़ी नीचे से निकल जाने में आई थिंक इस मूव के लिए जो लेग्स में है बहुत पावर चाहिए तो मैं बोलूंगा ये मूव आई थिंक एम एस धोनी देखते हैं और कौन है अगला मूव किसका दिखा रहे हैं विराट भाई को चलिए देखिए बॉस कितनी भी ताकत लेके तुम क्यों ना आ जाओ जब संदीप के हाथों पे आप फंसते हो तो आप फंस के रह जाते हो सिंगल हैंडेड डिफेंस है भाई ये हाथ नहीं ये गिरफ्त ऐसी है और आप एमएस धोनी बोल चुके हो जी अच्छा दोबारा ये गलत मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी है इतनी पावर एमएस धोनी के अलावा आई थिंक उमेश यादव उमेश यादव बॉस भाई ऊपर यादव जी के हाथों पे कोई आ गया फिर फंसेगा नहीं बहुत बहुत स्ट्रांग है हां जी ऑलराइट क्विक वन लेट्स टेक अ लुक ऑलराइट विराट भाई ये जो हमारा स्टाइल है ये क्योंकि आपको मालूम है आजकल हिंदुस्तान में कोई हाई फाई नहीं देता थाई फाई देता है बताइए ये थाई फाई देख के आपको किसकी याद आ रही ओहो मैं तो सोच में पड़ गया एक ही है जिन्होंने ये मूव क्रिकेट फील्ड पे फेमस किया है शिखर धवन शिखर बहुत मैं तो बोलता हूँ विराट भाई आप आए हैं तो एक हाई फाई तो आपके साथ भी बनता है अगर हो तो एट द काउंट ऑफ थ्री लाइक द माइक वन टू थ्री हाई फाई Thank you very much, Thank you so much, Viraj. Thank you very much. And once again, it's a pleasure having you on the Kabaddi Match, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, the captain of the Indian cricket team and our hero, Virat Kohli.